आ गई ना अपनी असलियत पर, दिखा दी अपनी नियत, देखा देखा अफसर ने, विनायक देखा ना आपने, हमने कहा था कि ये लड़की एक नंबर की लालची और धोखेबाज है। अरे तू सिद्धि तो क्या, तू सिद्धि के पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। गलती मत करना हाथ उठाने की, वरना एक पल में हाथ तोड़ के तुझे दूसरे हाथों में दे देंगे। तेरी ये नाजुक कलाई सिर्फ चूड़ी पहनने के लिए बनी है। किसी पे हाथ उठाने की हिम्मत नहीं है इनमें। हमने मेहनत करके मिठाइयां बना बना के तुझे सारे सुख दिए हैं जिंदगी में, लेकिन अगर तूने अपनी बड़ी बहन पे हाथ उठाकर हमें अपने परवरिश में कमी का एहसास दिलाए, तो तुझे ऐसा जवाब देंगे कि जिंदगी में कभी किसी पे हाथ उठाने के लायक नहीं बचेगी। समझी? और हम यहां किसी का हक नहीं छीनने आए, अपना हक लेने आए। आप चाहे तो यहां रह सकते, हम आप सबको इस घर से जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं। अब या तो तुम इस घर को छोड़कर जाओगी या मैं जाऊंगा। अगर तुम इसी वक्त इस घर को छोड़कर नहीं गई तो मैं जाऊंगा। विनायक, नहीं, आप इस घर को छोड़ के कैसे जा सकते? ये घर तो आपका ही है, आपके बड़े बुजुर्गों की आत्मा बसती है इस घर में, घर को छोड़कर नहीं जा सकते। आप इस घर के आदर्श बेटे हैं, नहीं, हम आपको इस घर से जाने नहीं देंगे। चलो अच्छा, अपनी बड़ी बहन से आदर्श बहू कैसे बनते हैं ये तो सीखा। लेकिन तेरा ये नाटक बहुत दिन तक नहीं चलेगा माया। सही कहा माया तुमने, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये मेरा घर, अब मैं भी देखता हूं कौन इस घर को छोड़कर जाएगा। और अपने इस मंदिर जैसे घर से निकालकर बाहर फेंकूंगा। आप आज तक अपने दिल से तो निकाल नहीं पाए हमें, इस घर से कैसे निकालेंगे विनय? शंभु, रघु कहां मर गए सबके सब? खाना लगाओ हमारा। ये क्या बदतमीजी है? तेरे लिए बदतमीजी हो सकती, लेकिन हमारे ही तुझे तमीज सिखाने की कोशिश है। शंभू, रघु, खाना लगाओ हमारा। चिल्ला मत, नौकरों पे चिल्लाने से दिमाग भी खराब होता है और गला भी। शंभू छुट्टी पे,
और घर के बाकी नौकर भी। तो फिर खाना कौन बनाएगा? तू बनाएगी ना, हमारी प्यारी बहन माया। वो कहावत तो सुनी होगी ना तूने, खाली दिमाग शैतान का घर। क्या है ना, मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ के तेरा दिमाग खराब हो गया। तेरे दिमाग में फालतू की बातें और प्लानिंग चलती रहती है पूरा दिन। थोड़ा सा काम कर लिया कर, सेहत भी अच्छी रहेगी और दिमाग में कचरा भी नहीं भरेगा। खाना तो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, फिर भूखा रहना पड़ेगा। याद है ना, ये घर हमारा है, यहाँ सिर्फ वही होगा जो हम चाहेंगे। जितनी जल्दी हो सके हमारा कहा मानने की आदत डाल, वरना एक सेकंड में तुझे एसी वाले घर से सड़क पे पहुंचा देंगे, समझी? एक मिनट, खाना तो माया रानी बना लेगी, लेकिन झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और घर का बाकी सब काम ये कौन करेगा? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने बुआ जी, इसका जवाब भी आप ही। क्या मतलब? मतलब ये बुआ जी कि बाकी के काम आप करेंगे। मजा आ रहा है इन दोनों का हाल ऐसे देख के। हमेशा मुझे अपनी उंगली पे नचाते थे ये दोनों, अब इनके नाचने का टाइम आ गया है। ये सिद्धी हो या रंगीली, है कमाल की ये। अब ज्यादा सोच मत माया, जल्दी जाके सबके लिए खाना बना, भूख लगी है सबको। तुझसे काम करवाना तो सिर्फ तुझे बिजी रखने का बहाना है माया। हम तो यहाँ सिर्फ इसलिए आए कि वो सबूत ढूंढ सके जो विनायक की नजरों में हमें बेगुनाह साबित करते, ये साबित कर दे कि हम सिद्धि उसकी हम शक्ल, और ये हम करके दिखाएंगे। दवाई लीजिए दादी, वरना खांसी बढ़ जाएगी। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम तुमसे कोई बात भी नहीं करना चाहते, चले जाओ यहां से। कोई बात नहीं दादी, इसका भी रास्ता है हमारे पास, ये लीजिए अपने हाथों से ले लीजिए। तुम कुछ भी कर लो, हमारे हृदय में तुम्हारे लिए कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। तुमने छड़ किया हमारे साथ, हमारी भावनाओं का इस्तेमाल किया। हमने ना आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला है दादी, और ये बात हम आपके सामने जरूर साबित करके रहेंगे। और उस दिन आप अपना प्यार और आशीर्वाद दोनों हमें जरूर देंगे, लेकिन उस पल को देखने के लिए आपका स्वस्थ रहना भी तो जरूरी है ना दादी। नाराज रहने के लिए ताकत तो चाहिए ना। आज शायद आपको हमारी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा, लेकिन हम अपनी दतिया को जानते हैं। उनकी बाहर की नजरों से सच और झूठ, सही और गलत ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता, और जिस दिन उनकी आंखों के सामने सच आए वो खुद को रोक नहीं पाएंगे।
और हमें अपने गले से लगा लेगी। हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे विनायक। और आप तो क्यों, कोई भी हमें इस घर से नहीं निकाल सकता, क्योंकि अब ये घर हमारा है। आराम से, तुम आ गए। आज फिर आपने ज्यादा पी ली। आप हमारी बात मानते क्यों नहीं? लाइए, हम शर्ट चेंज कर देते हैं आपको। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो हमें तुझसे पूछना चाहिए कि इस वक्त तू हमारे कमरे में क्या कर रही है। मालकिन तो हम हैं। अपने कमरे में नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? क्या बकवास कर रही है तू? लगता है याददाश्त कमजोर हो गई है तेरी। झूठ बोलते बोलते और छुपाते छुपाते घर के काम अच्छे से कर। बादाम मंगाएंगे हम तेरे लिए, याद है? सबके सामने घर के पेपर्स दिखाए थे। ये हमारा घर और हम इसी कमरे में रहेंगे। लेकिन ये कमरा विनायक का है और तू अपनी हद पार कर रही है। चुपचाप चली जाए इस कमरे से। इस कमरे से बाहर तो तू जाएगी। हम इस घर की नौकरानी नहीं, मालकिन है। और नौकरानी के कमरे में अब तू रहेगी। तेरा सामान भिजवा दिया हमने वहां। तेरे कमरे में ताला लगवा दिया। वो क्या है ना, आज कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है। तू भी जा अपने कमरे में जा और सो जा। कल सबके लिए नाश्ता भी तो बनाना है। वैसे नहीं मानेगी ना, अब भी सबक सिखाते हैं तुझे। दरवाजा खोलो, विनायक अंदर। दरवाजा खोलो।
के दर्द और इंतजार के खत्म होने का वक्त आ गया विनय। बहुत जल्द हम आपके प्यार और विश्वास को जीत के और उस सफर की शुरुआत हम कल सुबह से ही करने जा रहे हैं। मार डाल मेरी सिद्धि को सुरंगी ने, कुछ नहीं कर, कुछ नहीं कर। विनायक मुझे बचा। आपकी सिद्धि आपके पास है विनायक, कहीं नहीं गई है और ना ही कभी जाएगी। विनायक की इस हालत की जिम्मेदार तू और तेरी सिद्धि माए। क्या बना दिया हंसते खेलते इंसान को। तेरे इस गुनाह के लिए हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सजा तो मिलेगी तुझे। मांग में भरे आपके खून के सिंदूर की कसम बिना हम जल्द ही अपने अस्तित्व और सच्चाई को आपके सामने साबित करेंगे। और जो घिनौना खेल माया ने शुरू की उसे हम खत्म करेंगे। गर्मी है यार, बदबू भी कितनी आ रही है। पता नहीं वो सिद्धि की बच्चियां सोती कैसी थी। पता नहीं वो सिद्धि की बच्ची विनायक के साथ अंदर क्या कर रही होगी। हाँ मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकती।
हाँ हमें कुछ करना होगा। हेलो वकील साहब, वो हमने आपको विनायक की प्रॉपर्टी के पेपर्स भेजे थे, आपने चेक किया? हमें वो प्रॉपर्टी किसी भी हाल में वापस चाहिए। सॉरी माया जी, अब कुछ नहीं हो पाएगा। उन पेपर्स पर विनायक जी के साइन है और उन्होंने खुद किए हैं वो साइन। थार में गए साइन, अब आप वो कीजिए जो हम आपसे कह रहे हैं। हमें पता है तू सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने इस घर में वापस आई है। हमारी सावली और सौतेली बहन, हम कल भी तुझसे एक कदम आगे थे और हमेशा तुझसे एक कदम आगे ही रहेंगे। अब कल सुबह से हम तेरे हार की कहानी लिखना शुरू करेंगे। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तू खुद भी नहीं। आपका साथ, आपका विश्वास हमारी ताकत है विनय। आपका प्यार हमें हर झूठ हर बुराई से लड़ने की हिम्मत दी। जब तक आप और आपका प्यार हमारे साथ है, हमें पूरा विश्वास है कि ये लड़ाई हम ही जीतेंगे। हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा और ना ही हरा पाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नजारा।